अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। बारिश के मौसम में अगर अम्मी के हाथ का ये नाश्ता खाने मिल जाए तो क्या बात हो। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अम्मी के हाथ के आलू बंडे और अंडे के कटलेट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाती हैं अम्मी। अम्मी ने अपने व्यूअर्स की फरमाइश पे ये बनाया है, डिटेल रेसिपी दी है, साथ में चटनियों की भी रेसिपी दी है, तो इसे बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी माँ के हाथ के फ़ैन हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपकी फरमाइश पर आलू बंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए अब ये आलू बंडे का अपन मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना काफ़ी है, आधा कप तेल काफ़ी है इसमें। ये तेल गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा थोड़ा सा लाल हो जाए फिर ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हरी मिर्च, इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, कूटा हुआ अदरक लहसुन मोटा मोटा। कड़ी पत्ते का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है, और कड़ी पत्ते को वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया कीजिए आप लोग, बहुत फ़ायदे हैं इसके कड़ी पत्ते के। अगर इसको बारीक बारीक धनिया जैसा काट के डाल दिए तो सब खाने में आ जाता है, बड़ा बड़ा अपन डालते तो फेंक देते हैं बच्चे। अब इसमें प्याज डालेंगे, इसमें आधा टीस्पून से थोड़ा कम हींग डाले हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे और ये एक टीस्पून लाल मिर्च और एक क्रश किया हुआ 2 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून सौंफ, मोटा मोटा क्रश कर लिए इसको। आंच को थोड़ी सिम कर दिए। देखिए इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिया और सौंफ की, कड़ी पत्ते की। और अपना जितना आलू है उसके हिसाब से नमक डाल लेंगे। ये गरम मसाला, ये 1 टीस्पून गरम मसाला। अब यहाँ पर धनिया भी डाल देंगे थोड़ा, इसमें पक जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, फिर इसमें फ्लेवर आ जाता है। आमचूर पाउडर 1/2 या 1/4 टीस्पून। मसाला अपना भुन गया है, इसमें आलू डाल देंगे। आलू को थोड़ा सा मैश कर लिए थे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये खूब अच्छे से इसको मिला लेना है, पूरा मैश हो जाए मसाला इसमें। अब अपना ये 1/2 किलो आलू का मिश्रण ये पूरा तैयार है आलू बंडा बनाने के लिए। इस बेसन का घोल बना लेते हैं। मैंने 3 कटोरी बेसन ली हूँ। ये इसी घोल से आप कई तरह के पकोड़े बना सकते हैं। आज मैं आपको 2 किस्म के बताऊँगी। इसमें 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डालते हैं, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे अपन। आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है इसमें। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और थोड़ा खाने का सोडा। अभी 2-3 टीस्पून तेल डालेंगे इसमें। अब इसको भिगा लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं करना है, ये घोल को इतना गाढ़ा बनाना है, और इसको ऐसा फेंट लिए कि इसमें गुठली वगैरह ना रहे। अब इसको 1 घंटा रेस्ट के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद अपन बनाएंगे इससे। चलिए हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए
ये हमने 6-7 हरी मिर्च लिए हैं और थोड़ा हरा धनिया, पुदीना, ये 4 लहसुन, 1 टीस्पून जीरा और टेस्ट के हिसाब से नमक पीस लेते हैं। चलिए अब इमली की चटनी बना लेते हैं। इसमें ये इमली का पल्प डाल लेते हैं। हमने गर्म पानी में इसको फुलोकर इसका पल्प निकाल लिए थे छानकर। और ये 1 टीस्पून इसमें सौंठ डालेंगे अपन, ये थोड़ा आधा टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा 2 पिंच काला नमक, और गुड़ डालेंगे। तो समझो ये आधी कटोरी गुड़ डाल देंगे इसमें। थोड़ी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा ये सादा नमक। अब इसको पका लेंगे अपन थोड़ा, जितनी गाढ़ी अपने को चाहिए उसके हिसाब से इसको पका लेंगे। देखिए चटनी तैयार हो गई है, इतनी गाढ़ी ठीक है। अब ये इसको किसी भी चीज़ से खा सकते हैं अपन। इसमें थोड़े से मगज़ के बीज डाल देंगे, दिखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। अब गैस बंद कर देंगे अपन। अब इस आलू के भुरते के बॉल बना लेते हैं। अब ये बॉल्स बनाकर इसमें डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब ये बॉल्स को इसमें लपेट करके बेसन में इसमें डालेंगे कढ़ाई में अपन। इसको ऐसे पलट लेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाना चाहिए। इस पर हमने जो इसका बेसन का घोल थोड़ा ज़्यादा डाला तो वो पूरा कवर हो जाए इसलिए डाले, और ये थोड़ा साइड में ऐसा रहता है तो क्रिस्पी लगता है, खाने में टेस्टी लगता है ये। अब ये हो गया है, बस इतना इसको सेकना है। देखिए आलू बंडे कितने सुनहरी होने तक तलना जरूरी है। अब उसी बेसन के घोल से अंडे के कटलेट भी बना लेंगे। ये अंडे हमने कट कर लिए हैं पूरे। अब इस पर हम चटनी लगाएंगे हरी, 1/2 टीस्पून एक एक अंडे पे लगना है। को थोड़ी चटपटी बनाए हैं। अब ये एक अंडों को इस तरह से एक एक करके डिप करके इसमें तेल में डाल देंगे। इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। आलू बंडे भी बहुत टेस्टी लगेंगे आपको और ये अंडे के कटलेट भी, बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सभी को मज़ा आ जाएगा। इस तरह से देखिए कितना अच्छा ये फूल रहा है बेसन। अब ये क्रिस्पी भी होगा और बहुत टेस्टी लगेगा ये। इसमें जो अजवाइन डली है बेसन में, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाता है। देखिए अभी कितने ज़बरदस्त सुनहरी हो गए हैं और बहुत कुरकुरे और फूले भी बहुत अच्छे हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। इस नाश्ते के आगे बाजार का नाश्ता भी फेल है। एक बार ये ज़रूर बनाकर देखिएगा, इसका स्वाद अल्टीमेट है। और बाहर का खाने से अच्छा है कि घर का हम सब एक से एक चीज़ें बनाएं और अपने बच्चों को घर का ही खिलाएं।